पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, बंथरा शराब कांड में मौतों के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंची है मंत्री स्वाति सिंह। 10 दिन बाद परिजनों से मुलाकात करने पहुंची है स्वाति सिंह। स्वाति सिंह ने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बंथरा शराब कांड में हुई मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंची मंत्री स्वाति सिंह। 10 दिन बीत चुके हैं इस घटना को और इसके बाद मंत्री स्वाति सिंह परिजनों से मुलाकात करने पहुंची, जहां परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। नीरज, बंथरा शराब कांड के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची मंत्री स्वाति सिंह, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे, क्या कुछ बातचीत हुई परिजनों से? जी अदिति, हम आपको बताना चाहेंगे कि दीपावली के पूर्व बंथरा में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जो कि एक बड़ी घटना के रूप में देखी गई। इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इसी के अंतर्गत आज लगभग दसवें दिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह पीड़ितों का हाल जानने के लिए बंथरा के गांव में पहुंची, वहां पीड़ित के परिवारों से मिली और मिलने के बाद उनको आश्वासन दिया कि हर संभव मदद उत्तर प्रदेश सरकार आपकी करेगी, जो भी समस्या हो वो तत्काल दूर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मलहम लगाने के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आज पहुंची थी, हालांकि काफी लेट पहुंची थी। इसकी भी काफी चर्चा है क्योंकि इनके विधानसभा क्षेत्र में ही ये आता है जहां की ये विधायिका है। तो कुल मिला के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह आज इस देरी के पीछे वजह क्या रही, क्या इसको लेकर कुछ अपडेट सामने आया है, कोई बयान मंत्री स्वाति सिंह का? जी, बयान देने से कतरा थी, सामने नहीं आई खुल के बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि विधायक निधि से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी वो पूरी की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।